हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में और आपके चैनल में, जिस चैनल में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने का काम होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की चौथी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक के बारे में, और उसका नाम इस बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। तो चलो जानते हैं इस बैंक के बारे में। तो दोस्तों, भारत में बहुत सारे बैंक हैं, पर कुछ बैंक का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है। तो यस बैंक की बात करें तो राजा कपूर और अशोक कपूर, इन दोनों ने 2004 को बैंक की स्थापना की। राजा कपूर जी का जन्म नई दिल्ली में 1957 में हुआ। उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की है और आगे स्टटगार्ट यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी USA में MBA की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने अमेरिका और अन्य जगह बड़े बड़े बैंकों में काम भी किया है, जिससे उनको आगे जाकर यस बैंक खोलने में अनुभव काम आया। बैंक का ज़्यादातर रेवेन्यू सिंडिकेट लोन और कॉरपोरेट बैंकिंग के माध्यम से आता है। यह बैंक की तीन संस्थाओं के रूप में संचालित होता है, यस बैंक, यस कैपिटल और यस असेट मैनेजमेंट सर्विसेज। आगे 31 जनवरी 2019 तक यह बैंक की भारत में 1150 शाखाएँ और 1800 से अधिक ATM है। इससे पता चलता है कि यह बैंक कितनी बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, यस बैंक को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया है। भारत में इस बैंक का शेयर सिर्फ ₹45 में IPO पोस्ट किया गया था। यह 2005 में आया था। बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। बैंक क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, प्राइवेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है। यस बैंक को भारत की फास्टेस्ट ग्रोविंग बैंक ऑफ द ईयर 2011 का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, यह थी यस बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी एक कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।